हेलो, बीएससी पार्ट वन। हेलो। यस हाँ बच्चों, मैम, आप लोग आज मेरे साथ पहली बार इंटरेक्ट कर रहे हो और 2020 का ये हमारा पहला क्लास है। अभी तक आप लोगों के यहाँ एडमिशंस भी चल रहे हैं। 15th एडमिशंस की लास्ट डेट है और मैं आप लोग की एडमिशन इंचार्ज भी थी, तो आप सब तो ये जानते ही हैं, सभी के फॉर्म पे मेरा साइन हुआ है। तो बच्चों, हम लोग के पास कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने की वजह से आप लोग की अभी तक क्लासेस नहीं हो रही थी, लेकिन अब एडमिशंस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और जो थर्ड ईयर के बीए, बीएससी थर्ड ईयर, बीकॉम थर्ड ईयर, एमए, एमएससी, एमकॉम सभी के एग्जाम्स चल रहे थे, तो हम लोग उसको ऑर्गेनाइज करने में बिजी थे, तो इसलिए आप लोग की क्लासेस काफी लेट हो गई हैं। पर आई होप कि तुम लोगों ने मेरे यूट्यूब वीडियोस को देखा होगा और उसमें कुछ कुछ चीजों को समझा भी होगा। और लेकिन आज हम लोग आपसे अपना सिलेबस जो है शेयर करेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन बच्चों, मुझे बहुत ही दुख है कि मैंने अपना वीडियो भी आप लोग को भेजा, उसके बाद भी कुल मिला के 18 लड़कियां ही हैं जिन्होंने काम अपना किया है और आपके क्लास में 62 लड़कियां हैं। 62 में से सिर्फ 18 लड़कियों ने ही काम किया है। खदीजा, फातिमा, ये मेरे यहाँ भी है। ओके, अभी कितने बच्चे हैं वो सभी चैट बॉक्स में अपना नाम लिख के शेयर कर देंगे। बच्चों, अपना नाम लिख के आप लोग और एडमिशन नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए और हमारी मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। हम यहाँ पर अपना सिलेबस आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए, बीएससी पार्ट वन में आप लोग जो पढ़ते हैं तो आपके सिलेबस में 3 पेपर्स हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर एंड थर्ड पेपर। जो फर्स्ट पेपर है वो है डायवर्सिटी ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगी। सेकेंड और थर्ड पेपर आपको दूसरे टीचर्स पढ़ाएंगे, जिसमें सेकेंड पेपर में आप पढ़ेंगे डायवर्सिटी ऑफ एल्गी, लाइकेंस एंड ब्रायोफाइट्स, एंड थर्ड पेपर में आप पढ़ेंगे डायवर्सिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। इसका मतलब है कि आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो लोअर प्लांट्स को लेकर है। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे कि लोअर प्लांट्स और हायर प्लांट्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आप लोग ये अपना सिलेबस देख लीजिए और इसको समझ लीजिए। ये तीनों पेपर्स जो है आपके 50-50 मार्क्स के होंगे और 50 मार्क्स का होगा आपका बॉटनी का प्रैक्टिकल। आपका जो सब्जेक्ट है बॉटनी, वो जो है एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का मतलब है कि आपका प्रैक्टिकल की वैल्यू बहुत ज्यादा है। हम लोग कोई भी चीज देखेंगे, समझेंगे और उसको प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। समझ रहे? अभी आपका प्रैक्टिकल्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। 15 तारीख के बाद आप लोग को कभी भी ये नोटिस मिलेगा कि आप लोग की क्लासेस शुरू हो गई हैं और आप लोग को कॉलेज आना रहेगा। तो आप लोग कॉलेज आएंगे और रेगुलर क्लासेस भी होंगी आप लोगों की, और जब तक नहीं होंगी तब तक हम लोग इसी तरह जूम मीटिंग पर मिलेंगे। तो ये देखिए, फर्स्ट पेपर का मैं आप लोग के साथ सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ। इसमें टोटल 4 यूनिट्स हैं। जो पहली यूनिट है उसमें है डायवर्सिटी ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई की फर्स्ट यूनिट है। हिस्ट्री, नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई, विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। विटेकर एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। हिस्ट्री ऑफ वायरोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड नेचर ऑफ वायरसेस, स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, क्लासिफिकेशन थैलस ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन इन फंजाई, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। तो ये था आपका पहला यूनिट जिसमें लगभग सभी चीजों का इंट्रोडक्शन और उनकी पहचान, यही आपको
फर्स्ट यूनिट में करना है, ठीक है। सेकेंड यूनिट, ये देखिए सेकेंड यूनिट में आपके वायरसेस हैं, वायरसेस, सिम्टम्स ऑफ वायरस इन्फेक्शन इन प्लांट्स, ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरसेस, जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, रेप्लिकेशन ऑफ प्लांट वायरसेस इन रेफरेंस टू टोबैको मोज़ेक वायरस, और स्ट्रक्चर एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेजेस, स्ट्रक्चर एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। हुई इज रेजिंग हैंड? आपके इस पर आपका नाम भी नहीं है बेटा, अभी मैं आपसे इंटरेक्ट करती हूँ, आप इसको देखिए पहले, अपना सिलेबस कर लीजिए, फिर मैं अभी आपसे इंटरेक्ट करूंगी, ओके। जो सेकेंड नेक्स्ट यूनिट है, थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में, न्यूट्रिशनल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, मेटाबॉलिज्म इन डिफरेंट न्यूट्रिशनल टाइप्स, बैक्टीरियल जीनोम एंड प्लाज्मिड्स, रिप्रोडक्शन, वेरिएबिलिटी इन बैक्टीरिया, म्यूटेशन, स्टेनिंग एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। और चौथी यूनिट है जिसमें फंजाई पढ़ते हैं, द करेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ साइकिल्स ऑफ फॉलोइंग, मैस्टिगोमाइकोटिना एक क्लास है, उसका एक मेंबर एल्ब्यूगो, दूसरा मेंबर पिथियम और तीसरा मेंबर सिंकाइट्रियम पढ़ेंगे। एस्कोमाइकोटिना में दो फंजाई हैं, एस्पर्जिलस एंड मॉर्शेला, जो हम स्टडी करेंगे। बेसिडियोमाइकोटिना की तीन फंजाई हैं, एस्टिलैगो, पक्सीनिया एंड अगेरिकस, एंड ड्यूटेरोमाइकोटिना में ऑल्टरनेरिया। ये जो है ये हमारा पूरा का पूरा सिलेबस है, इतना सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। अब आप देख रहे हैं, हाँ अब आपके पास आ रही हूं मैं, यस। अब हम लोग इंटरेक्ट करेंगे, सभी बच्चे अपने माइक्स और अपनी वीडियो दोनों ऑन कर लीजिए, सभी बच्चे माइक एंड वीडियो ऑन कर लीजिए। अमल, गरिमा कुशवाहा, अलीशा, शाहिला परवीन, अपना माइक ऑन कर लो बेटा, अब हम आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं। सभी बच्चे अपने माइक और स्क्रीन को ऑन करिए। और बच्चे भी हैं, अभी पांच छह लड़कियां हैं जिन्होंने अपनी स्क्रीन अभी ऑन नहीं की है। शाहिला परवीन ऑन करिए, ओके। एकता गौतम, प्रिया राणा ऑन करिए। देखिए आज भी कितनी गलत बात है कि हम एक मीटिंग प्लान करते हैं, तुम लोग वहां पर दिमाग खाए रहते हो ग्रुप में कि हम लोगों को क्लास कब होगी, क्लास कब होगी, और जब आप लोग को बुलाया जाता है तो आप लोग नहीं आते। मंडे को मैंने बुलाया था आप लोगों को, आप लोग कोई भी नहीं आए, नहीं आए ना, और मैं फुल टाइम वहां पे वेट कर रही थी तुम लोगों के लिए। तो इट मीन्स किसी को पढ़ना नहीं है क्या, सिर्फ वहां पे कंप्लेंट्स करनी है। उसके बाद 62 में से 62 में से सिर्फ 18 लड़कियों ने काम किया है, ये क्या है? बाकी लड़कियों को नहीं पढ़ना है? आप लोगों में से कितनी लड़कियों ने काम किया है, हाथ उठाइए, हैंड रेज करिए। ऐसे गरिमा कुशवाहा किया है बेटा, और ये कुछ लड़कियों का नाम भी नहीं आ रहा है, मैं पहचान भी नहीं पा रही हूँ आप लोगों को। सब लोग अपनी स्क्रीन ऑन करिए बेटा। रोशनी राजपूत कहाँ है? हाँ तुम्हारा काम हो गया है ना बेटा, किया है ना, मैं देख पा रही हूँ। करिश्मा वर्मा, वर्षा देवी, पायल गौतम, सोनिया कटियार, अलीशा, प्रिया राणा, सना अंसारी, रोशनी राजपूत, कृतिका रावत,
पिंकी यादव, रिया, श्रेया द्विवेदी, अंजलि, एकता गौतम, निकिता श्रीवास्तव, शिवानी गौतम, जानवी गौतम और इकरा मजहर का काम मेरे पास आया है अभी तक। देखिए, अब आप लोग स्कूल से निकलकर कॉलेज में आए हैं, है ना? कॉलेज थोड़ा डिफरेंट होता है। स्कूल की लाइफ होती है कि आप लोग स्कूल में नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, आप लोगों को सिलेबस पहले ही दिन दे दिया जाता है, इवन पहली क्लास के रिजल्ट के साथ ही आप लोगों को सिलेबस मिल जाता है, आप लोगों को बुक्स की लिस्ट मिल जाती है, कॉपीज की लिस्ट मिल जाती है और आप लोग खरीद लेते हो, फिर कवर अवर चढ़ा के फिर स्कूल जाते हैं, है ना? पर डिग्री कॉलेज का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें बेटा आपको कोई भी बुक्स अभी तक नहीं खरीदनी है, समझ रहे हैं? पहले से कोई किताबें मत खरीदिए प्लीज, और मुझसे पूछिए भी नहीं, उसका समय भी आएगा। तो आप लोग क्या करेंगे कि अब ये आज मेरी इंट्रोडक्टरी क्लास है, मैं आप लोग के साथ सिर्फ आज इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पर हूँ। तो आप लोग क्या करेंगे बेटा, भाई किसके यहाँ से शोर आ रहा है वो अपना माइक बंद कर दें। तो बच्चों अब हम लोग आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। सपोज मैंने प्लांट्स के इंट्रोडक्शन से आपको पढ़ाना शुरू किया, तो आप क्या करेंगे कि उस चीज को आपने पढ़ा और जो टीचर क्लास में बोलती है आप उसको नोट करते जाएंगे पॉइंट वाइज, या जैसे जिसको सुविधा हो आप जैसे नोट कर पाए, हिंदी इंग्लिश, यहाँ पर लैंग्वेज का कोई बाउंडेशन नहीं होता क्योंकि अब आप हायर एजुकेशन में आ गए हैं। आप हिंदी यूज कर सकते हैं, आप इंग्लिश यूज कर सकते हैं, आप मिक्स लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, तो आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, कैसे भी आप उसको लिख सकते हैं। तो आप नोट करते जाइए जो चीज आपको टीचर बता रही है, फिर लेटर ऑन जब आपका कोई टॉपिक एक दो टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे तो आप बुक सेलर के यहाँ जाएंगे किताब की दुकान पे और उनको कहेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड बुक बताइए, या आप कहेंगे कि बीएससी पार्ट वन के लिए आपको बुक चाहिए बॉटनी की, ठीक है? उनसे कहिए आपके पास किस किस राइटर की किताब है, आप वो निकाल दीजिए। यस मैम, ठीक है? अभी आप लोग क्लास में किसी दिन हम बुलाते हैं 15 तारीख के बाद आप लोग को। यस मैम, तो मैं आप लोग को सैंपल बुक्स दिखाऊंगी, ठीक है? और कोई भी बच्चा पहले से किताबें खरीद के अपने माँ बाप का पैसा वेस्ट मत करिए, ठीक है? जब मैं कोई टॉपिक पढ़ा दूंगी तब आप बुक सेलर की किताबें देखेंगे और उसमें ये देखेंगे कि कौन सी किताब की भाषा आपको अच्छे से समझ आ रही है, समझ रहे हैं? जैसे हम लोग के फेवरेट टीचर्स अलग अलग होते हैं सब लोगों के, कोई टीचर किसी ढंग से पढ़ा रहा है, कोई किसी ढंग से पढ़ा रहा है, लेकिन आपको हो सकता है कि जानवी का फेवरेट टीचर कोई हो, रोशनी का कोई और हो, और अमल का कोई और हो, सबके फेवरेट टीचर्स अलग अलग हो सकते हैं, है ना? किसी को हो सकता है मेरा पढ़ाना अच्छा लगे, किसी को दूसरे टीचर का पढ़ाना अच्छा लगे, तो इसी तरह ऑथर्स का भी होता है। तो जो बुक राइटर होता है वो अपने हिसाब से किताब लिखता है, जबकि जो फैक्ट्स हैं वो साइंस में फैक्ट सेम होते हैं, है ना? फैक्ट है मतलब एक पौधा है, उसकी लीफ होती है, जड़ होती है, तना होती है, पत्ती होती है, सब होता है, तो ये हम एक फैक्ट है, इसको हम बदल नहीं सकते, इसको हर जो बॉटनी का टीचर है वो लिखेगा, लेकिन सब अपने अपने तरीके से लिखेंगे। इसीलिए जब मैं कोई टॉपिक पढ़ा दूंगी तब आप उस टॉपिक से रिलेटेड बुक्स देखेंगे, चार छह किताबें देखेंगे, उसमें वही चीज पढ़ेंगे जो मैंने क्लास में पढ़ाया, ठीक है? तो जो समझ में आएगा वो खरीदेंगे, ठीक है? इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं है। बस एक चीज डेफिनेटली तुम लोग को खरीदनी पड़ेगी, वो है आप लोग की प्रैक्टिकल बुक, ठीक है? जब आप प्रैक्टिकल के लिए आएंगे तो आपके पास आपकी प्रैक्टिकल बुक और प्रैक्टिकल फाइल होना जरूरी है, जिसमें कि एक फाइल होती है जैसे ड्राइंग वाली फाइल होती है, उसमें ड्राइंग शीट्स लगाएंगे आप और कमेंट्स पेपर लगाएंगे। ड्राइंग शीट आती है और कमेंट्स पेपर आते हैं, तो एक ड्राइंग शीट, एक कमेंट्स पेपर, फिर एक ड्राइंग शीट, फिर एक कमेंट्स पेपर, इस तरह आपको अपनी फाइल तैयार करनी होगी। तो फाइल और प्रैक्टिकल की किताब आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा आप तीन रजिस्टर्स बनाइए जिसमें पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड के लिए, ठीक है? तो मेरा जैसे फर्स्ट पेपर होगा तो फर्स्ट पेपर में
मेरा वाला सिलेबस आप पहले पेज पर नोट डाउन कर लीजिए। ये जो सिलेबस है ये आपको मार्केट में भी अवेलेबल है, जो अनसॉल्व पेपर्स आते हैं उसमें सबसे पहले पेज पर आपका सिलेबस लिखा होता है, ठीक है। तो आप लोग मार्केट से भी अगर सिलेबस ले रहे हो, अभी मैंने दिखाया भी था, तो आप लोगों ने जिसने भी नोट कर पाए होंगे या उसको स्क्रीन शॉट लिया होगा तो फिर वो उससे नोट कर लीजिए, या मेरा रजिस्टर आप रेडी कर लीजिए, ठीक है। फर्स्ट पेपर कौन सा पेपर? फर्स्ट, ओके मैम, ठीक है। अब मैं अपने पेपर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता दूं बेटा, कि जो मेरा पेपर है उसमें बहुत ही स्पेशल टाइप के प्लांट्स हैं, यानी कि फंजाई है, बैक्टीरिया है, वायरस है। तुम कहो कि भाई फंजाई, फंजाई यानी फंजाई देखा है कभी किसी ने? आप लोगों ने किसी ने फंजाई देखा है? कवक, कवक देखा है? कहाँ देखा बेटा? हाँ इकरा, कहाँ पर देखा है आपने? अच्छा चलो मैं बताती हूँ कि सब लोगों ने मटर मशरूम की सब्जी देखा है? याद नहीं आ रहा? अब मैं बताती हूँ तो सबको याद आ जाएगा। आवाज मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, साफ नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है साफ। तुम्हारे ईयरफोन में प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, और बच्चों को साफ आ रही है मेरी आवाज? आ रही है मेरे एंड पे बेटा? कोई शोर नहीं है। अगर आप लोग को लग रहा है किसी के घर में शोर हो रहा है तो वो अपना माइक बंद कर दे। अच्छा बेटा ठीक है कि अभी हम लोग बरसात के मौसम अभी अभी खत्म हुआ है तो उसमें देखते हैं कि कई बार हमारे घर में ब्रेड, अचार, जैम, जेली, मुरब्बे सब रखे होते हैं तो उसके ऊपर फफूंदी लग जाती है, रोटियों के ऊपर लग जाती है, बैग है या कॉटन के कपड़े हैं आपकी अलमारी में बहुत दिन तक सीलन में रखे हुए हैं तो उनके ऊपर फंगस लग जाती है। तो एक फंगस तो ये भी है और एक और फंगस है जो आप सब लोग खाते भी हो। सभी लोगों ने मटर मशरूम की सब्जी तो खाई होगी, है ना? मशरूम सभी ने खाए हैं तो मशरूम भी एक फंगस ही है, ठीक है। तो फंगस जो होता है वो एक स्पेशल टाइप का प्लांट होता है और सबसे लोअर मोस्ट टाइप का प्लांट होता है। उसमें बेटा क्या आप देखते हैं कि उसके पास तो क्लोरोफिल ही नहीं है। जब हम लोग पौधे के बारे में सोचते हैं तो फर्स्ट जो इमेज हमारे दिमाग में आती है पौधा, तो पौधे का मतलब है प्लांट्स और उसमें जड़ होगी, तना होगा, पत्ती होगी, फूल होगा, ऐसा दिमाग में आता है ना? लेकिन ना तो इसमें जड़ होती है, ना तना होता है, ना पत्ती होती है, ना कुछ होता है, फिर भी ये प्लांट्स की कैटेगरी में रखा गया है। क्यों? क्योंकि इसका सेलुलर जो स्ट्रक्चर है वो प्लांट जैसा है, समझ गए। और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे इसमें बैक्टीरिया पढ़ेंगे, वो भी बहुत लोअर लेवल का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंजाई भी बहुत लोअर लेवल का है और वायरसेस भी बहुत लोअर लेवल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो मैं ये तीनों चीजें आपको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। प्लांट में फंजाई एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो कि फोटोसिंथेटिक हो। आप लोग समझते हैं ना फोटोसिंथेटिक क्या होते हैं? वो प्लांट्स जो प्रकाश की उपस्थिति में, यानी सनलाइट, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से फोटोसिंथेसाइज करके फूड सिंथेसिस करते हैं, है ना? तो इसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। लेकिन फंजाई में कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जिसके पास क्लोरोफिल होता हो, तो यानी कि वो सभी सभी क्या है? परपोषी, मतलब जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉफ कहते हैं, यानी स्वापोषी कहते हैं, मतलब खुद ही फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं, है ना? और जो खुद अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते उनको हम कहते हैं परपोषी, यानी हीटरोट्रॉफ, ठीक है। मेरी लैंग्वेज ऐसी ही रहेगी, मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगी उसमें हिंदी एंड इंग्लिश दोनों तरीके से बताती रहूंगी,
क्योंकि मेरा काम है आप लोग को चीज को एक्सप्लेन करना। अब आप डिग्री में आते हैं तो फिर आपको लेक्चर्स सुनने को मिलते हैं, हम लोग क्वेश्चन आंसर्स नहीं प्रिपेयर कराएंगे बेटा, है ना। जैसे अभी तक आप स्कूल में देखते थे कि टीचर्स आपके क्वेश्चन आंसर्स रेडी कर सकते थे, मैं लिखवाते थे और वो आप लर्न करते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब हर बच्चे अपने हिसाब से आंसर लिखेगा, हम लोग आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। इसीलिए डिग्री कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं आप या लेक्चरर्स हैं, उनका काम है लेक्चर देना। ओके, तो बच्चों तो ये खास बात हो गई। दूसरी बात, दूसरी चीज हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कीमोसिंथेसिस करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ना फोटोसिंथेसिस करते हैं ना कीमोसिंथेसिस करते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस या कीमोसिंथेसिस करते हैं वो सभी अपना भोजन खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं, इसलिए वो सब स्वपोषी हैं, ऑटोट्रॉफ्स। और जो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं वो सारे क्या है, हीटरोट्रॉफ्स, है ना। अब हीटरोट्रॉफ्स जो, और फिर तीसरी कैटेगरी एक और भी हम आपको पढ़ाएंगे, वो है वायरसेस, है ना। तीन चीज मैंने आपको बताई जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, फंजाई, बैक्टीरिया एंड वायरस। तो वायरस भी कभी भी ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते हैं, वो हमेशा हीटरोट्रॉफ्स होते हैं, परपोषी होते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड गेन करते हैं। जानवी गौतम बेटा, तुम्हारा बहुत देर से हैंड रेज आ रहा है, कुछ आप पूछना चाहते हो जानवी? यस मैम। हाँ बोलो बेटा। बोलो अच्छा चलो। तो अब हम आ जाते हैं कि हमारी जो मेन कैटेगरी है कि जो हीटरोट्रॉफ्स है, ज्यादातर हमारे जो पेपर में जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे क्या होंगे, हीटरोट्रॉफ्स होंगे, यानी परपोषी होंगे, ठीक है। यानी कि किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो अपना फूड गेन करेंगे। जो परपोषी होते हैं वो तीन प्रकार से अपना भोजन गेन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाना तो चाहिए, चाहे वो बैक्टीरिया है, वायरस है या फंजाई है, फूड तो जिंदा रहने के लिए हर किसी को जरूरत होती है। तो वो अपना फूड दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो लेते हैं तो उसको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। या तो वो क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं, तो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से खाना उससे चूस के गेन कर लेते हैं, सक करके गेन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसके पास फूड की कमी हो जाएगी, है ना। जब सपोज दो फ्रेंड्स हैं, उनमें से एक ही फ्रेंड के पास टिफिन है और दूसरे के पास कुछ नहीं है, उसके पास अपना फूड सिंथेसाइज करने का कोई भी माध्यम नहीं है। तो दोनों फ्रेंड्स हैं, तो ये वाला जो फ्रेंड है इसके पास कोई खाना नहीं है और इसके पास खाना है, तो ये इससे खाना ले लेगा, तो क्या होगा, इसके पास खाने की कमी हो गई। खाने की कमी तो डेफिनेटली होगी, है ना। तो जब ये इससे खाना ले रहा है तो इसमें कमी हो गई, तो इसमें क्या होगा, डिजीजेस कॉज होंगी, है ना, बीमारियां आ जाएंगी। कई तरीके की बीमारी हो सकती है, चाहे वो बीमारी उसके ऊपर न्यूट्रिशन की कमी की वजह से आए या उसके रहने की वजह से आए। यानी जो एक एनिमल या प्लांट दूसरे के ऊपर अगर डिपेंडेंट है तो वो उसका पैरासाइट कहलाता है, ठीक है। तो और इसकी एक डेफिनेट डेफिनेशन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, या ऐसे आप समझिए, पैरासिटिज्म इज अ रिलेशनशिप इन बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन विच वन इज बेनिफिटेड एंड अदर इज हार्म्ड, जिसमें एक को फायदा हो रहा है एक को नुकसान हो रहा है। इट इज अ रिलेशनशिप इन बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन विच वन इज बेनिफिटेड एंड अदर इज हार्म्ड, है ना, कि जिसने दूसरे से खाना लिया उसे तो फायदा हो गया, लेकिन जिसके पास खाने की कमी हुई उसको क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो ये दोनों जिंदा हैं, पर ये वाले के पास खाना नहीं था तो इसने इससे ले लिया, तो इसको तो फायदा हो गया लेकिन इसको नुकसान हो गया,
है ना। तो पैरासिटिज्म वो रिलेशनशिप है जिसमें एक को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान। पहली हो गई ये रिलेशनशिप, एक पैरासाइट है एक होस्ट है, ठीक। दूसरा होता है सहजीवी या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अगर दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों एक दूसरे के लिए साथ साथ रहते हुए फायदेमंद हो, तो हम इसकी डेफिनेशन देते हैं, इट इज अ रिलेशनशिप इन बिटवीन टू और लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ द पार्टनर्स आर बेनिफिटेड। जैसे दो दोस्त हैं, है ना, एक बोलता है कि मैं दोनों के लिए पराठा बना के लाऊंगी, एक ने कहा मैं दोनों के लिए सब्जी बना के लाऊंगी, तो दोनों का काम तो हाफ हो गया, है ना, एक को केवल रोटी बनानी पड़ी, एक को केवल सब्जी बनानी पड़ी, तो दोनों का काम हाफ हो गया, लेकिन दोनों ने मिलकर जब खाना खाया तो उनका खाना कंप्लीट हो गया। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज अ रिलेशनशिप इन बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ द पार्टनर्स आर इक्वली बेनिफिटेड। और तीसरा जो है वो है मृतोपजीवी या सैप्रोफिटिक रिलेशनशिप, जिसको कि हम कहते हैं सैप्रोफिटिज्म। तो ये होता है मृतोपजीवी। अब देखिए कोई भी वर्ड है आप उसको तोड़ के उसका मीनिंग समझ सकते हैं। सहजीवी यानी साथ साथ जीने वाले, जो अभी पहले बताई थी, है ना। परजीवी, पर माने दूसरा, जीवी माने जिंदा रहने वाला, पैरासाइट हो गया परजीवी, ठीक। और तीसरा बेटा जो अभी अभी मैं बता रही हूं आपको, मृतोपजीवी, मृत उपजीवी माने किसी मरी हुई चीज के ऊपर जिंदा रहने वाला, है ना। जैसे कि भूसा है, ये भी तो प्लांट का डेड पार्ट है, लकड़ी है प्लांट का डेड पार्ट है, तो ये जो फफूंदी होती है ये इनके ऊपर ग्रो करती है। तो आप देखते हैं बरसात के मौसम में कहीं पुरानी लकड़ी पड़ी हो पेड़ के तनों के ऊपर, या भूसा कहीं पड़ा है, या डेड प्लांट्स पड़े हैं, उनके ऊपर कुकुरमुत्ते निकल आते हैं, जो कि मशरूम्स जैसे ही दिखाई देते हैं, पर वो बहुत सारे 10,000 से भी ज्यादा वैरायटीज हैं मशरूम्स की, और जिनमें मोस्ट ऑफ देम आर हार्मफुल फॉर अस, वो सारी के सारी पॉइजनस होती है। बहुत ही कम ऐसी स्पीशीज हैं जो हमारे लिए एडेबल है या खाने योग्य है, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीन मीन्स ऑफ न्यूट्रिशन है जिनके बिहाफ पर हम उनको परजीवी, सहजीवी या मृतोपजीवी में बांट सकते हैं। मृतोपजीवी क्या हो गए, एक चीज मरी हुई है उसके ऊपर दूसरी चीज ग्रो कर रही है, यानी जो मरा हुआ है उसको तो फायदा भी नहीं हो रहा है, नुकसान भी नहीं हो रहा है, वो तो ऑलरेडी मरा ही हुआ है, और जो दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म आ रहा है उसके ऊपर तो उसको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, उससे न्यूट्रिशन मिल रहा है ना। तो इसकी डेफिनेशन होती है कि सैप्रोफिटिज्म इज अ रिलेशनशिप इन विच वन पार्टनर इज बेनिफिटेड एंड अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। यानी कि यह वो रिलेशनशिप है जिसमें एक पार्टनर को तो फायदा हो रहा है और दूसरे को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो तो जिंदा ही नहीं है, है ना। समझ गए आप लोग। ये आज का जो टास्क है आपका वो ये है कि मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशन के बेसिस पर हम कैसे इनको कैटेगराइज कर सकते हैं प्लांट्स को, ठीक है। पहला दो कैटेगरीज बनी, एक कौन सी, ऑटोट्रॉफिक और दूसरी हीटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक वो जो अपना भोजन खुद सिंथेसाइज करते हैं, दूसरे वो जो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते, समझ गए। अब जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, उनको तीन मेथड होते हैं जिनसे अपना न्यूट्रिशन मिलता है। पहला होता है परजीवी यानी पैरासिटिक रिलेशनशिप, दूसरा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एंड तीसरा सैप्रोफिटिक रिलेशनशिप। ये आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, शॉर्ट नोट भी आपका दो पेज से कम नहीं होना चाहिए, समझ गए। तो पहले आप एक लाइन डायग्राम बनाना, आप लोग को पता है लाइन से एक दूसरे को कनेक्ट करके बनाते हैं ऐसे, है ना।
क्या शॉर्ट नोट लिखना है बेटा, 2 पेज का। मैम परजीवी से क्या बोला है? मृतोपजीवी, मृतोपजीवी, ठीक है। पैरासाइट, सिम्बायोंट और सैप्रोफाइट, ठीक है। सैप्रो, SAPRO, हाँ। ये अभी बहुत ही इजी चीज है, ये आपको किसी भी किताब में मिलेगी, आपके हाई स्कूल इंटर में भी मिलेगी। हाँ मैम, सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। सेकेंड मोड कौन सा बेटा, नाम तो बताइए। सिम्बायोटिक, मुझे सही से नहीं समझ में आ रहा है। सहजीवी ना, सहजीवी। यस मैम। सहजीवी उसमें बेटा ऐसा होता है कि दो पार्टनर्स होते हैं, दो प्लांट्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं। एक 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 चीज में बेनिफिट देता है दूसरे को और दूसरा दूसरी चीज में। तो जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है लाइकेन। लाइकेन का नाम सुना है सब लोगों ने? हाँ, इंटर में होगा। तो लाइकेन एक स्पेशल टाइप के प्लांट्स है जिसमें एक एल्गी और एक फंजाई दोनों ही प्लांट्स हैं, मिलकर एक साथ रहते हैं। तो जो एल्गी होती है उसके पास क्लोरोफिल होता है तो वो फूड सिंथेसाइज करती है, और जो फंजाई होता है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है और स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। यानी संरचना मेन जो बनी होती है किसी भी प्लांट की वो इस फंजाई से बनी है, और जो एल्गी है वो फूड सिंथेसाइज कर रहा है। तो ये दोनों मिलके एक ने जगह बनाई, एक ने खाना बनाया, तो दोनों ने एक दूसरे का सहयोग करके एक नया प्लांट बना लिया। तो इसको सहजीवी कहते हैं, है ना। सहजीवी यानी साथ साथ जिंदा रहने वाले। इट इज अ रिलेशनशिप इन बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ आर बेनिफिटेड विद ईच अदर, ठीक है। कौन पूछा था? अमल, समझ में आया बेटा? और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है चना मटर वगैरह, जो लेग्मिनस प्लांट्स होते हैं उनमें, उनकी जड़ों में रूट नोड्यूल्स होती है। क्या होती है? रूट नोड्यूल्स, गांठे, ग्रंथल जड़ें, कहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा, रूट नोड्यूल्स, ठीक है। इन नोड्यूल्स के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम लेग्मिनिसोरम। कौन सा बैक्टीरिया होता है? राइजोबियम लेग्मिनिसोरम। तो ये जो बैक्टीरिया होता है उसकी रूट नोड्यूल्स के अंदर रखता है, रहता है। तो प्लांट तो इसको रहने की जगह दे रहा है, लेकिन ये जो बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है और पौधे की ग्रोथ बढ़ाता है, उसको न्यूट्रिशन देता है। तो दोनों को फायदा हो गया, उस बैक्टीरिया को भी फायदा हो गया, उस प्लांट को भी फायदा हो गया। तो इस तरह की जो रिलेशनशिप होती है, यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन विच बोथ द पार्टनर्स आर इक्वली बेनिफिटेड, समझ में आया? अच्छा भाई, आज तो मुझे पता चल रहा है कि 17-18 ही लड़कियां यहाँ पर भी हैं, आप समझ रहे हो ना। तो क्लास में बकवास करने वाली लड़कियां ज्यादा हैं, पढ़ने वाली कम है। और आप अच्छे से जानते हैं, इतने बड़े हो गए हैं, कि टीचर उन्हीं स्टूडेंट्स में इंटरेस्टेड होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, समझ रहे हैं आप। ये लोगों ने आज मेरे फर्स्ट क्लास में ही अपनी इमेज डाउन कर ली, और आई होप तुम लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। मिला कुछ सीखने के लिए? यस मैम, यस मैम। हाँ तो बेटा इसका शॉर्ट नोट लिखिएगा आप लोग, अच्छा सा शॉर्ट नोट बना के भेजिए मेरे को, ठीक है? ओके ओके मैम, यस मैम, ओके। आज का टाइम क्या हो गया बेटा? मैम किसी भी लैंग्वेज में भेज सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, कोई वो। हाँ, कोई लैंग्वेज का बाउंडेशन नहीं है, मैंने आपको बताया ना, आप अब हायर एजुकेशन में कभी भी लैंग्वेज का बाउंडेशन नहीं होता है ना। जब भी आप लिखेंगे तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, या किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। और मिक्स्ड लैंग्वेज सबसे अच्छी लैंग्वेज होती है हायर एजुकेशन के लिए। अगर आप क्या करेंगे कि अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं, और लेकिन टर्म्स जो है हमारे साइंटिफिक टर्म्स हैं बेटा,
उनको आप इंग्लिश में मेंशन कर दीजिए, ठीक है। वो आपके लिए सबसे अच्छी भाषा होती है, क्योंकि जो हमारी हायर एजुकेशन की बुक्स हैं वो अच्छे ऑथर्स की इंग्लिश में आपको मिलती हैं। तो इस तरह आप धीरे धीरे इंग्लिश में स्विच ओवर हो जाएंगे। जो बच्चे इंग्लिश अच्छे हैं वो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, पर हमारे पास दोनों स्ट्रीम्स के बच्चे एक साथ पढ़ रहे होते हैं, आप समझ रहे हैं ना। डिग्री कॉलेज में हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम सारे बच्चे एक साथ आके पढ़ते हैं, तो टीचर को दोनों को समझाना है। हम अलग अलग क्लासेस में तो डिवाइड नहीं कर सकते कि भाई इतने बच्चों को हम इंग्लिश में पढ़ाएंगे, इतनों को हिंदी में पढ़ाएंगे। इसलिए हम मिक्स लैंग्वेज को ऑप्ट करते हैं, और हम प्रिफर भी करते हैं कि बच्चे भी जो इंग्लिश है वो तो इंग्लिश लिखें, अच्छी बात है, लेकिन जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो लैंग्वेज हिंदी लिख रहे हैं लेकिन उसमें अपने टर्म्स को इंग्लिश में डालें, जिससे धीरे धीरे उनकी भी इंग्लिश अच्छी होती जाएगी, ठीक है। ओके हम लोग का क्लास काफी हो चुका है, ऑलमोस्ट टाइम उसका 1:10 हो रहे हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए बाय बाय, और नेक्स्ट क्लास भी हम लोग जल्दी। हाँ बोलिए, किसी को कुछ बोलना है तो। अमल कुछ बोलना चाह रही है? हाँ बोलो, तुम्हारी आवाज कम है, आवाज बढ़ाओ, एक एक करके बोलो। शाइला बेटा रुको, अभी अमल को बोलने दो, फिर तुम्हारी बात सुनते हैं। हाँ अमल बताइए। अच्छा अभी सुनो, इसके बारे में मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि तुम लोगों को बेटा क्या करना है कि उसको एक बार और ध्यान से सुनो। बहुत ही क्लियरली है कि उसमें जीनस का नाम कैपिटल से आप लिखेंगे, स्पीशीज का स्मॉल से लिखेंगे। जब आप हाथ से लिखेंगे तो आप इटैलिक्स अलग से नहीं लिख सकते, इसलिए उसको अंडरलाइन करना पड़ता है। जब आप टाइप करोगे ना कंप्यूटर पे तो उसको इटैलिक्स में कर दो, और जब आप हैंड रिटन कंडीशन में लिख रहे हैं ना, हाथ से लिख रहे हैं, तो आप उसको इटैलिक्स तो अलग से नहीं लिख सकते, तो इसलिए आप अंडरलाइन कर दो, समझ गए। और जीनस का नाम अलग लाइन से और स्पीशीज का नाम अलग लाइन से आप अंडरलाइन करोगे, समझ गए। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट था कि सारी फंजाई का, एल्गी का, ब्रायोफाइट्स का, टेरिडोफाइट्स का सारे नाम आपको साइंटिफिक नाम ही लिखने हैं, इसलिए आपको बायनोमियल नोमेनक्लेचर जानना बहुत जरूरी था। इसलिए मैंने आपको क्लास के पहले ही वो पढ़ने को दे दिया, उसके नोट्स बनाने को दे दिए। कुछ लड़कियों ने तो बहुत अच्छे बनाए हैं, मैं अभी पूरे पढ़ नहीं पाई हूँ बेटा, मैं उसको पढ़ के तुम लोग को बताऊंगी, सबकी मिस्टेक्स बताऊंगी, ठीक है। और अभी आप इसका भी शॉर्ट नोट लिखिए, ठीक। ओके बाय फॉर टुडे, ओके बाय, यस मैम, बाय।